उड़ीसा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भारत आतंकियों पर कार्रवाई करता है, उन्हें घर में घुसकर मारता है, तो भी ये लोग सबूत मांगते हैं। आप मुझे बताइए, आपको सेना पर भरोसा है कि नहीं है? सेना पर, सेना पराक्रम करने में सामर्थ्यवान है कि नहीं है? सेना ने पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया है? आपको भरोसा है? आपको विश्वास है? ये हमारे विरोधियों को नहीं है। एक महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। साथियों, मतदान के दिन जब आप पोलिंग बूथ जाएंगे तो एक स्पष्ट मन बनाकर जाइएगा। आपको ये तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। आप बताइए, दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूंछ दबाकर भागने वालों की जरूरत है क्या देश को? आपको यह तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारेबाजी करने वाली सरकार चाहिए? निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? कड़े निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? समय पर निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और बहनों, इसी परिस्थिति में आप 11 अप्रैल 2019 को दो बड़े काम होने जा रहे हैं। आपके एक वोट से दो बड़े काम होने जा रहे हैं। आपको पता है, अंग्रेजी में दो शब्द है, एक SUN और दूसरा है SON। भाइयों बहनों, 11 अप्रैल को और आंध्र के इस चुनाव में हर मतदान के समय आपके एक वोट से इस दिन आंध्र प्रदेश का सनराइज होगा, SUN सनराइज होगा। और लिख के रखो, भ्रष्टाचार का SON सेट होगा, भ्रष्टाचार का सनसेट होगा। आंध्र का सनराइज चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए सनसेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए सनसेट, SON सेट, सनसेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, इस दिन आपका वोट आंध्र प्रदेश के विकास के डबल इंजन को सुनिश्चित करने वाला है। डबल इंजन यानी केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में भी भाजपा सरकार।